तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हावोयू ने हाउसियन को बचा लिया था और वो वहाँ से रियल वर्ल्ड में चला गया था। वहीं इसकी वजह से लेडी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ऑस्टिन ग्रिफिन उनके हाथों से बचकर निकल गया और उसको अपने आप पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इस पर किंग उसको शांत कराता है पर तभी वो लेडी किंग के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है और उसको मारने में उसकी मदद करने को बोलती है, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था और वो अपने ड्रैगन के ऊपर आ जाता है और उस लेडी से कहता है तुम्हें शांत हो जाना चाहिए क्योंकि तुम उस वर्ल्ड में नहीं जा सकती। वहीं लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि तीन किंग मिलकर भी लेवल 6 के ऑस्टिन ग्रिफिन को नहीं मार पाए और अब वो बाकी किंग से भी हेल्प लेने का डिसाइड करती है। तभी वो किंग उसको समझाता है और कहता है कि जब उसको अपना ब्रेक थ्रू करना होगा तो उसे यहाँ पर ही आना होगा, तब हम उसका फायदा उठाकर उसको मार देंगे। वहीं इस बात से वो लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगली बार तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। वहीं हम हावोयू को देखते हैं जो कि हाउसियन के साथ में रियल वर्ल्ड में जा रहा था। तो अभी हाउसियन को होश आ जाता है और वो हावोयू से स्केलेटन किंग और ओल्ड मैन के बारे में पूछता है। इस पर हावोयू कहता है कि वो तो कब का मारे जा चुके हैं, पर काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से हाउसियन फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम कार और येहुआ को देखते हैं जो कि हाउसियन के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और तभी उस पोर्टल के अंदर से हाउसियन बाहर आता है जिसको देखकर कार और येहुआ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हावोयू भी बाहर आता है पर तभी कार उस पर अटैक करने जाती है, पर हावोयू उसको रोक देता है और कहता है कि ये हाउसियन का पार्टनर बीस्ट है। तभी हावोयू अपने पावर का यूज करके हाउसियन के इंजरी को हील करने लगता है। वहीं येहुआ भी हावोयू के नए रूप को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कहता है कि आज से पहले मैंने ऐसा मैजिकल बीस्ट कभी नहीं देखा था। वहीं हम हाउसियन को देखते हैं जिसकी इंजरी हील हो गई थी और वो होश में भी आ जाता है। वहीं हाउसियन कार को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो अभी कार उसके पास में आती है और पूछती है कि तुम इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे हो गए। इस पर हाउसियन कहता है कि मैं ठीक हूँ और पूछता है कि क्या तुम मेरा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। अभी ये हुआ उसको टपली मारता है और कहता है कि कार पिछले 2 दिन और 2 रातों से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। इस पर हाउसियन कार से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसको काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी। इस पर कार कहती है कि तुम ठीक हो, बस वही मेरे लिए काफी है। इसके बाद हम हावोयू को देखते हैं जो कि हाउसियन के साथ में प्यार करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हाउसियन इसके हेड के ग्रीन आई को देखकर उसका नाम लिटिल ग्रीन रख देता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हाउसियन ने हावोयू के एक सर का ही नाम लिटिल ग्रीन रखा है और आगे जाकर लिटिल फायर, लिटिल मैजिक ऐसे भी नाम रखेगा। तो चलिए मेन स्टोरी की तरफ आते हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके हर एक सर के अंदर अलग अलग कॉन्शियसनेस है, यानी तीनों सर अलग अलग सोच सकते हैं। तो अभी येहुआ कहता है हावोयू की साइज पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है जिसकी वजह से इसको रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इस बात को सुनकर हावोयू अपने लिटिल फॉर्म में आ जाता है और कार के पास में जाकर उसके साथ में खेलना स्टार्ट कर देता है और कार को इम्प्रेस करने के लिए अपने कलर को चेंज भी कर रहा था। इसके बाद ये हुआ और हाउसियन साथ में कार को उसके घर पर छोड़ने जाते हैं। अगले सीन में हम डीमन किंग के एक आदमी को देखते हैं जिसको ऑस्टिन ग्रिफिन के वापस आने का पता चल गया था और वो ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में पता लगाने के लिए काफी सारे ह्यूमंस को अपनी कठपुतली बना लेता है पर उसको इसके बारे में पता नहीं चलता। वहीं हम हाउसियन और येहुआ को देखते हैं जो कि साथ में रूम की तरफ जा रहे थे और तभी येहुआ हाउसियन से उस जगह के बारे में पूछता है और पूछता है क्या वहाँ पर तुम्हारे साथ में क्या हुआ था। तभी हाउसियन को ओल्ड मैन की बातें याद आने लगती है जो कि हाउसियन से हावोयू को बचाने से मना कर रहा था क्योंकि वो एक डीमन किंग था, जिसकी वजह से हाउसियन येहुआ को इसके बारे में नहीं बताना चाहता था और बोल देता है कि वो एक ड्रीम के जैसा था। इस पर येहुआ कहता है कि अगर तुम इसके बारे में मुझे नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद ये हुआ हाउसियन को बताता है कि तुम मैच से 2 दिनों के लिए गायब हो गए थे और अगर तुम्हें टॉप 16 में आना है तो तुम्हें बचे हुए 6 मैच को किसी भी हालत में जीतना होगा। इस पर हाउसियन कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बचे हुए 6 मैच को मैं ही जीतूंगा। इस पर हाउसियन कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन बचे हुए 6 मैचेस
इसको मैं ही जीतूंगा। वहीं ये हुआ हावोयू की भी तारीफें करता है क्योंकि वो लेवल 6 पर पहुंच गया था और शुरुआत में येहुआ ने उसको कमजोर समझकर मारने की कोशिश की थी, पर हाउसियान ने उसको बचाकर अपना पार्टनर बिस्ट बना लिया था। इसके बाद येहुआ हाउसियान के स्पिरिचुअल पावर को चेक करता है, जिस पर उनको पता चलता है कि हाउसियान की स्पिरिचुअल पावर 201 से 204 हो गई थी और वो हाउसियान से इसके बारे में पूछता है। इस पर हाउसियान कहता है शायद ये हावोयू के ब्रेक थ्रू की वजह से हुआ होगा। इसके बाद ये हुआ हाउसियान और हावोयू को जाकर आराम करने को कहता है क्योंकि कल उनका मैच था। वहीं हम डीमन किंग के आदमी को देखते हैं जो कि ऑस्टिन ग्रिफिन को खोज रहा था, पर वो हावोयू को पहचान नहीं पाता कि वही ऑस्टिन ग्रिफिन है। तभी उसके पास में डीमन किंग आता है और उससे ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में पूछता है, पर वो आदमी ठीक से जवाब नहीं देता। वहीं इसकी वजह से डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर का यूज करके उसको क्रश करने लगता है और बोलता है मेरे पास में तुम्हारा बकवास सुनने का टाइम नहीं है। इस पर वो कहता है कि मैं अभी तक उसको नहीं खोज पाया हूँ क्योंकि ऑस्टिन ग्रिफिन शायद अपने ब्रेथ को छुपा रहा है और मेरे हिसाब से वो अभी तक अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आया है। तो गाइस जहाँ तक मुझे लगता है हावोयू डीमन किंग से भी काफी ज्यादा पावरफुल है और डीमन किंग शायद से उसे मारना चाहता है, क्योंकि हावोयू अगर पूरी तरीके से ठीक हो गया तो और उसकी मेमोरी वापस आ गई तो वो डीमन किंग को मार देगा। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मेन स्टोरी की तरफ आते हैं। वहीं डीमन किंग हावोयू के ब्रेथ को फील कर पा रहा था और वो इससे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने को कहता है और इसके बाद वो इसके बारे में पता लगाने के लिए इंसानी दुनिया में जाने का डिसाइड करता है। वहीं हम मैच बोर्ड का सीन देखते हैं जहां पर हाउसियान की रैंक 47 थी क्योंकि उसने अपने दो गेम को मिस कर दिया था और आगे आने वाले सभी वीडियो के नोवेल को मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर डाल रखा है, तो आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हो। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।